तो सर मैं ये कहना चाहूंगा, जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है लगातार शिक्षा मित्रों का, धरना प्रदर्शन का, तो हम सभी जो हमारे संगठन के नेता हैं, हम उनसे एक ही गुजारिश करना चाहेंगे, वो एक मंच पे आ जाए। यदि वो एक मंच पे नहीं आते तो हमारी कमजोरी बनी रहेगी। उमा दीदी जी भी हैं और भी हमारे साथी हैं, तो उमा दीदी से भी कहना है, आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय कुशवाहा जी, उनसे भी कहना है, और प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय शुक्ला जी, उनसे ही मेरा कहना यही है कि आप एक मंच पर आ जाइए। एक मंच अगर आप आ जाते हैं तो हम लोगों की ताकत बनेगी। यदि आप एक मंच पर नहीं आते, अलग अलग लड़ते रहेंगे, तो हमारी कमजोरी सरकार भी देखेगी और जनता भी देखेगी। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप एक मंच पर आ जाइए। मुझे तो ये समझ में ये नहीं आता है कि नेता हमारे शिक्षा मित्र नेता एक क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हमारे शिक्षक संगठन साथ दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा मित्र के नेता जो इनका संगठन अलग बना हुआ है, ये साथ नहीं आ सकते। पता नहीं ऐसा क्या रीजन है, मुझे ये जानने की जरूरत है। और आम शिक्षा मित्र परेशान है, ये लोग अपनी नेतागिरी करते हैं आपस में कि मैं मेरा संगठन बड़ा है कि मेरा संगठन बड़ा है। ठीक है सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी नेताओं से, जो भी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा में संघ हो, चाहे आदर्श वाले हो, कोई भी संगठन है, इतने सारे संगठन है, सभी लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। यदि एक मंच पर ये नहीं आएंगे तो मैं समझता हूँ सरकार के अंदर वो छवि पैदा नहीं हो सकती, और ना ही सरकार के पास हमारी मजबूती से बात जाएगी। तो मेरा आपसे एक ही आपके चैनल के माध्यम से सभी आदरणीय नेताओं के लिए यही निवेदन है कि आप लोग एक मंच पर आ जाइए। अभी हमारे यहाँ बदायूं में या पूरे प्रदेश में आदर्श समाज शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यक्रम चलेगा, 12 तारीख को धरना है। तो मैं आपके चैनल माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी संगठन है उसमें शिक्षक संगठन तो आ रहे हैं, लेकिन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा में सर क्यों नहीं है इसमें, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बदायूं के प्रदेश के जिले के जो हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा में संघ के हों, चाहे वो आदर्श के हों, भाई सभी लोग एकजुट हो गए, एकजुट तक क्यों नहीं दिखाते आप लोग, अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं, आपको क्या मिलेगा अलग लड़ने से, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अरे आप लोग एक मंच पर आइए, एक मजबूती के साथ लड़िए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप कुछ तो उनकी बात को मानो, कुछ तो आप पर फर्क पड़ना चाहिए। अरे बाबा साहब ने आपको संविधान में अधिकार दिया है, उस संविधान के अधिकारों को आपको उसकी वैल्यू नहीं समझते आप लोग, उस वैल्यू पे चलिए, संघर्ष करिए, संघर्ष में हमें सब कुछ मिल सकता है। अभी आपने देखा होगा कई ऐसे हमारी सरकार ने इस तरह से वो निकाले हैं, कानून निकाले थे, आदेश भी दिए, लेकिन धरना प्रदर्शन कारण उनको बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन हमारा संगठन, हमारे शिक्षा मंत्र नेताओं के संगठन ऐसे हैं कि पता नहीं क्या कमजोरी उनके अंदर है, पता नहीं इसीलिए डरते कि हमारी कुछ जांच हो जाएगी, सीबीआई भेज देगी सरकार, ईडी भेज देगी सरकार। अरे मैं तो नेताओं से कहता हूँ, भैया अगर आपको डर है तो आप छोड़ दीजिए पद के लिए, आप बल हट जाइए यहाँ से, कोई दूसरा आएगा जो ना डरता होगा सीबीआई ईडी सीबीआई से। अरे इस तरह से शिक्षा, आम शिक्षा मित्रों को आप बेवकूफ बना रहे हैं, ये कौन सा तरीका है आपका? आप एक मंच पे आएंगे नहीं, अलग अलग धरना करेंगे आप, आपका होगा कभी आदर्श वालों का होगा तो प्राथमिक वाले नहीं जाएंगे, प्राथमिक वालों का होगा तो आदर्श वाले नहीं जाएंगे, ये कौन सा तरीका है आपका? आप शिक्षा मित्रों को बांटना चाहते हैं, अरे शिक्षा मित्र बांटने वाला नहीं है, आम शिक्षा में तो हर आवाज पहुंचता है, लेकिन नेता जो हमारे बने हुए हैं ये हमको बांटना चाहते हैं। तो मैं सर आपको इस समझ से ये कहना चाहता हूँ कि नेताओं को मेरा निवेदन भी है, अनुरोध भी है कि आप लोग एक मंच पर आ जाइए। अगर आप एक मंच पर नहीं आते हैं तो मैं समझता हूँ आपकी वो पावर नहीं है, सरकार आपको आज तक गुमराह क्यों कर रही है, इसलिए आपको कामयाबी नहीं मिली है। आपने जब 6 महीने पहले आपने आंदोलन शुरू किया था, आपको कमेटी बनाई गई, मैं तो सोलह ही से पूछना चाहता हूँ और सुशील यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कमेटी बनी थी, आप उसमें गए थे, जो कमेटी बनी उस कमेटी का क्या रहा, उस कमेटी में जिन अधिकारियों ने उस पर रिपोर्ट लगाई है उन अधिकारियों से आपने क्यों नहीं बात की कि हमारा काम क्यों रुका हुआ है? अगर रुका हुआ तो उसी उसकी कारण आप क्यों नहीं भराव करते हैं, है? फिर आपने कमेटी क्यों बनाई, आपको हमारा काम नहीं करना था, हमको क्यों लालच रखा आपने, आम शिक्षा मित्रों को आपने बेवकूफ बनाया है, ये कौन सा तरीका, मुझे समझ नहीं आता है। मैं तो आपके चलने माध्यम से कहना चाहता हूँ शुक्ला जी को, सुशील यादव जी को कि आप आइए, अरे आप अपनी शक्ति भूल चुके हैं, जिस तरह से जामवंत ने हनुमान जी से कहा था कि आप अपनी शक्ति याद करिए, तो मैं तो शुक्ला जी से भी कहता हूँ कि आप 1,45,000 शिक्षा मित्रों नेतृत्व कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या होती है, अरे जहां आप खड़े हो जाएंगे धार देंगे सरकार ले जाएगी, क्या बात करते हैं, लेकिन आप नहीं, पता नहीं आपको क्यों डर लगता है, आप तो पता नहीं उस मतलब किसी मंत्री से मिले आए हो, किसी नेता से मिले आए, बस आपका काम हो गया,
अरे ऐसे काम तो नहीं चलेगा, आप ही हमें भी बताइए, अगर कुआं है, अगर प्यासा कुआं के उधर उधर घूमता रहेगा और वो अगर कुएं के पास नहीं जाएगा तो उसको पानी मिल जाएगा पीने के लिए? शुक्ला जी बताइए, मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ, ये इधर उधर भटक रहे हैं, इन भटकने से क्या होगा? आप उस मंत्री से जाइए, उस विधायक से जाइए, कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। आपको केवल जाना तो केवल मुख्यमंत्री से मिलना है, माननीय मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी, हमें एन किरण पे कारण हमें धरना करना पड़े, घेराव करना पड़े, किसी भी तरह से अनुनय बने से, जैसे भी आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए। आपको पूरी साल हो गई आप मुख्यमंत्री से मिल पाए, क्या रीजन है? आपके पास इतनी पावर नहीं है, ऐसे आपके पास नेता ही नहीं है जो आप उनके द्वारा पहुंच सके, है चाहे एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी से आपकी वार्ता है, सब कुछ आप मिलते जुलते हैं सभी से, लेकिन मतलब कोई नहीं है कि आप उनसे उनके द्वारा मिल जाए। तो मेरा आपसे इसी चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि माननीय शुक्ला जी आप अपनी शक्ति को याद करिए, आपके पास 1.5 लाख शिक्षा मंत्री की शक्ति है, समझे? और कुशवाहा जी आप ही, आप तो शांत बैठे हैं, मिश्रा शुक्ल प्राथमिक शिक्षा तो फिर भी कुछ थोड़ा सा चर्चा में रहता है, लेकिन शुक्ला जी जो क्या नाम है विश्वनाथ कुशवाहा जी, आप तो बिल्कुल शांत बने बैठे हैं। बस अब आपने 2 दिन पहले आपने कहा था कि मैं 12 तारीख धरना करूंगा, 25 जुलाई को कार्यक्रम हुआ था, आदर्श वाले गए ही नहीं थे उसमें, मैं बदायूं की बात कर रहा हूँ, बदायूं हमारे यहाँ आदर्श शिक्षा मंत्री फिर उसी जिला अध्यक्ष रविंद्र पाल जी वो नहीं गए, और वो क्या नाम है प्राथमिक शिक्षा में संघ के जो जिला थे वो कार्यक्रम कर रहे थे, अन्य जो शिक्षा संगठन थे वो वहां पे थे। बताइए ये इस तरह से ये दो फाड़ संगठन बना करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप ऐसे लड़ाई जीत लेंगे? कभी नहीं जीत सकते। आम शिक्षा मत मर रहा है, समझे? उसकी बेटियां शादी के लिए हैं, उसके बच्चों की फीस नहीं भर पा रही है। शुक्ला जी, मिश्रा जी, मेरे पास 4 बेटियां हैं, समझे? अब बताइए रू कैसे पढ़ाई, 4 बेटियां बेटा है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं मैं जानता हूँ, 10,000 रुपए में बताइए, घर का खर्च नहीं चलता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है नेताओं से, शुक्ला जी से और कुशवाहा जी से, चाहे जितेंद्र साई हो, कोई जो भी नेता है, दीदी बैठी है हमारे सामने, मैं इनसे भी करूंगा कि आप अलग अलग धरने की बात मत करिए, समझे? आप एक मंच पर आइए, आपके एक मंच पर एक एक शिक्षा मित्र वहां पहुंचेगा मजबूती से। मैं आम शिक्षा मित्र की आवाज बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं 1.5 लाख शिक्षा मित्र की आवाज बोल रहा हूँ, तो मैं आम शिक्षा मित्र हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना किसी किसी पद में बैठा हूँ मैं, किसी शिक्षा मित्र संगठन पद पे, मैं आम शिक्षा हूँ, मैं जानता हूँ पीड़ा क्या होती है आम शिक्षा मित्र की, समझे? दीदी आप भी जानती है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग एक बजमा आइए, आज अनुदेशक भाइयों का जो कार्यक्रम था उससे उनकी योग्यता पहचान हुई और उनको कार्यवृत्ति मिली, मैं तो भाई विक्रम भाई के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनका काम हो जाए, उनके पीछे हमारा भी काम हो जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो माननीय शुक्ला जी, मैं तो मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चल माध्यम से कि सभी जो हमारे संगठन है वो एकजुट हो जाए, डरे नहीं, डरेंगे डर के कुछ नहीं होगा। अगर आप माननीय मुख्यमंत्री से बात करने के लिए डर रहे हैं तो आप कैसे कैसे आप मिलेंगे, मुझे समझ नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि नेताजी डरते हैं, ये सब जितने भी हैं शिक्षा मंत्री नेता उनसे जाने नहीं चाहते। अरे बहुत संपर्क, वो तो चाहते कि शिक्षा मंत्री वो तो आए हमारे पास, लेकिन तुम्हारे अंदर पता नहीं काउंटर भरा हुआ है, क्यों डर रहे हो भाई? 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की आप, आपका भविष्य हाथ में है, आप उनको लेके जाइए ना, सरकार इतनी संवेदनहीन नहीं हो सकती, कोई भी सरकार जनता के लिए होती है, जनता के हित के लिए होती है, समझे? तो ये सरकार जो है इतनी निर्दयी नहीं हो सकती, इनसे मिलिए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए, जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व सरकार में जो बैठे हुए हमारे मुखिया उनसे मिलिए और हमारा काम करवाइए आप। अब ये सर से पानी ऊपर चला गया है, अब ये सही नहीं होता है सर, ठीक है? धन्यवाद सर, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नमस्कार।